स्वागत है दोस्तों आपका वैशाली ऑनलाइन कोर्सेस में। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों, बिहार एसएससी जीडी का वैकेंसी 84,886 पदों के लिए वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी क्या योग्यता होगी, क्या सिलेबस होगी, एग्जाम फी क्या लगेगी दोस्तों, और कब से ये फॉर्म भराएगा, पूरा डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, जो एसएससी का जीडी का वैकेंसी के लिए वे सभी से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं इसका एज रिक्वायरमेंट। ठीक है दोस्तों, एज रिक्वायरमेंट बताते हैं, 18 से 23 वर्ष के सभी मेल फीमेल कैंडिडेट सभी भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अधिकतम एज जो एससी एसटी के लिए जो कैंडिडेट होंगे, जो अधिकतम 5 साल का डिस्काउंट मिलेगा, यानी ऊपर से भर सकते हैं, 5 साल अधिक है वो भी भर सकते हैं, 18 से 23 के बीच के बाद जो डेट भर चुका है वो भी कैंडिडेट भर सकते हैं। उसके बाद और अगर जो भी स्टूडेंट जनरल ईबीसी और बीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो 3 साल अधिकतम एज एक्स्ट्रा वाले भर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म कब भराएगा दोस्तों बात करते हैं। स्टार्ट डेट होगा इसका नवंबर मंथ में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नवंबर मंथ में भराएगा फॉर्म, जो 24 नवंबर से लेके लास्ट डेट इसका होगा 28 दिसंबर 2023 तक दोस्तों। ठीक है, ये तब तक भराएगा दोस्तों, लगभग आप लोगों को 1 मंथ की समय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और नीचे आ जाते हैं, इस पर सिलेबस पर हम बात करते हैं। देख सकते हैं ये सिलेबस हो गया मेरा, सिलेबस पर बात करते हैं दोस्तों। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा आपका, मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, और हिंदी तो बता देते हैं, मैथ आपका 20 नंबर का होगा, जीके 20 नंबर की होगी और रीजनिंग 20 नंबर की होगा। ठीक है, टोटल 20-20 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव भी पॉइंट होगी दोस्तों। ठीक है, टोटल 80 मार्क्स का परीक्षा होगा। और इंग्लिश और हिंदी में फर्क ये है दोस्तों, जो आप वहां पर लैंग्वेज हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं या इंग्लिश, दो सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी आपको जो सुविधा में होगा, हिंदी या इंग्लिश, वो उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नीचे देखिए एग्जाम फी की बात करते हैं। एग्जाम फी दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट जनरल और BC1 और UBC कैटेगरी, तीनों कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये फी करती है SSC कभी भी। ठीक है दोस्तों, SSC कभी भी, और SC ST और फीमेल सभी कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म भराती है सब दिन से। ठीक है, बहुत सारे दिन से। ठीक है, ये क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पैसा की बात करते हैं और नीचे आ जाते हैं, इसमें देख सकते हैं हाइट। हाइट इसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। और नीचे आ जाते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा पद में कितना वैकेंसी है वो हम बता देते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के रखे दोस्तों। देख सकते हैं CRPF का है 29,283 पद। ठीक है दोस्तों, और BSF का है 19,987 पद, और ITBP का है 4142, और SSB का यानी सशस्त्र सीमा बल का है 8,273, और CISF का है 19,975। ठीक है, देख सकते हैं CISF का है 19,475। ठीक है, और AAR का 3706 पद, यानी टोटल 84,866 पद है। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्म जो है सो दोस्तों 24 नवंबर 2023 से और 28 दिसंबर 2023 के बीच में भरेगा, और इसका एग्जाम जो लेगी सरकार, ठीक है, SSC GD, वो लेगी आपको 2024 के फरवरी या मार्च में। ठीक है, ये देख सकते हैं सब लिखा हुआ है क्लियर, 2024 में नवंबर या दिसंबर में फॉर्म आएगी दोस्तों। ठीक है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है SSC GD का, उसका पूर्ण रूपेण वीडियो लेके आएंगे। कोई तरह अगर परेशानी होता है समझने में तो फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट स्टेप कमेंट करें और बताएंगे हम कैसे इसको भरना है। और इसके लिए दोस्तों यूट्यूब से आप मैथ का क्लास खरीद लें, क्लास नहीं खरीदते हैं तो रेगुलर कोई भी अच्छा सा देख के उसमें कमेंट करके पढ़ ले अच्छा से, उसके बाद GK, रीजनिंग, इंग्लिश पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा, सोल्व करके इसको जाइए। अभी बहुत लंबा समय है दोस्तों, अभी से तैयारी कीजिएगा, SSC GD कोई ना कोई अच्छा सा पद इसमें आप मेहनत करोगे तो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।